रूसी शिप बिल्डर कंपनी यूनाइटेड शिप बिल्डर कॉरपोरेशन भारतीय नौसेना को 3 पुराना किलो वर्ग के सबमरीन बेचने की पेशकश की है। मार्च में ही इस बारे में एक समझौता रूस और भारत के बीच होना था, लेकिन वह मीटिंग अभी कोरोना वायरस के चलते रद्द किया गया है। किलो वर्ग की सबमरीन 30 साल पुराना है और यह सबमरीन मरम्मत करके बेचना है। यह सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और पानी के नीचे बैटरी से चलता है। भारतीय नौसेना कुल 10 किलो वर्ग का सबमरीन खरीदा था रूस से, जो सिंधु घोष वर्ग के सबमरीन से जाना जाता है। 10 में से अभी 8 सक्रिय है नौसेना में। INS सिंधु रक्षक को विस्फोट होने के वजह से सेवानिवृत्त और INS सिंधुवीर को म्यांमार को हस्तांतर कर दिया गया। भारतीय नौसेना में सबमरीन की कमी के कारण यह पुराना सबमरीन खरीदने का प्रयास हो रहा है। किलो वर्ग के सबमरीन का मूल संस्करण का नाम 877 पलटूज था। इस वर्ग की पहली पनडुब्बी वर्ष 1980 में रूस की नौसेना में शामिल की गई थी। सितंबर 2011 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किलो वर्ग की 17 पनडुब्बियां रूस की समुद्री सीमा की रक्षा कर रही हैं, जबकि 7 रिजर्व में रखी गई हैं। उसने अब तक 33 पनडुब्बियां भारत, अल्जीरिया, चीन, पोलैंड, ईरान और वियतनाम जैसे देशों को बेची हैं। डीजल से चलने वाली यह पनडुब्बी 70 से 74 मीटर लंबी होती है। पानी की सतह पर इसकी गति जहां 10 से 12 नॉट्स है, वहीं पानी के अंदर यह 17 से 25 नॉट्स की गति से यात्रा करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पनडुब्बी पानी के अंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 45 दिनों तक समुद्र में रहने में सक्षम यह पनडुब्बी सतह से हवा में मार करने वाली 8 मिसाइलों, 18 टॉरपीडो और 14 अंडरवाटर माइंस ले जाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी के संचालन में 52 सैनिकों की एक टीम की जरूरत पड़ती है। अभी किलो वर्ग की पनडुब्बी की कीमत 20 से 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।